वाले हैं और ये तस्वीरें आपके सामने, ताजा तस्वीरें ये आपके सामने हैं, लाइव तस्वीरें। थोड़ी देर बाद आप झलक देखेंगे ऋषि सुनक की। ऋषि सुनक का भारत पहुंचना बहुत खास है। जब ब्रिटेन में वो प्रधानमंत्री के शपथ ले रहे थे, उस वक्त भी भारत का हर एक व्यक्ति गौरवान्वित महसूस कर रहा था कि ब्रिटेन में भी भारत की धाक है। कैसे ऋषि सुनक वहां पर हुकूमत कर रहे हैं, अब ऋषि सुनक जब भारत आते हैं तो कैसे उनकी अगवानी की जाएगी और क्या क्या ट्रेड अश्विन चौबे को आप देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग मेहमानों की, वो अगवानी करें। ऐसे में ऋषि सुनक की जो जिम्मेदारी है वो अश्विनी चौबे को दी गई है। अब देखना यह है कि जब ऋषि सुनक आते हैं उनके साथ में बायलेटरल टॉक में क्या चीजें सामने आती हैं, किन चीजों पर बातचीत भारत के साथ होती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन का जो दूसरा सबसे बड़ा अगर गेहूं का सप्लायर कोई है तो वो भारत ही है। और इससे भी पहले ऋषि सुनक को हमने देखा था कि जब मुरारी बापू की कथा हो रही थी ब्रिटेन में, वो वहां जाते हैं, जय श्री राम कहते हैं, भंडारा करते हुए दिखाई देते हैं, खासा दिलचस्पी उनकी सनातन में दिखाई देती है। तो अब जब वो भारत आ रहे हैं, अपनी धरती पर आ रहे हैं, भले ही वो वहां पर पले बड़े हों, अब वहां की हुकूमत संभाल रहे हों, लेकिन हिंदुस्तानी कहीं भी रहे उसका दिल हिंदुस्तान के लिए हमेशा धड़कता है। ऐसे में जब वो यहां आ रहे हैं तो आज वो कैसे संस्कृति को देखते हैं, सालों बाद यहां आना होगा और इस बार कोई आम व्यक्ति बनकर नहीं बल्कि वो एक खास मेहमान हमारे बनकर आ रहे हैं और भारत के लिए भी ये पल गौरवान्वित करने वाला है कि आज हम एक भारतीय का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वो भारतीय विदेश में आज उस पद पर बैठा हुआ है जहां पहुंचने के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है, जहां पहुंचने के लिए आप अगर किसी और देश के हैं तो कितने आपको मुश्किलों के सामना करना पड़ता है। लेकिन ऋषि सुनक ने किस तरीके से उन सभी मिथकों को तोड़ा है और वो यूके पर राज कर रहे हैं। आज जब वो पहुंच रहे हैं, ग्रैंड वेलकम उनका किया जाएगा। अश्विनी चौबे को जिम्मेदारी दी गई है कि वो उनकी अगवानी करें और देखिए आपको तस्वीरों में नजर भी आएंगे, थोड़ी देर बाद आपको ऋषि सुनक की झलक दिखाई देगी। अब ये देखना है कि क्या क्या मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स में क्या क्या सामने आता है, ब्रिटेन के लिहाज से वो क्या चीजें रखते हैं कि भारत के लिए आसान हो पाए। क्योंकि कई अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब उनके पास में ब्रिटेन की कमान है तो भारत के लिहाज से वो कुछ चीजों को वहां पर आसान करें और भारत किस तरीके से मदद कर सकता है ब्रिटेन की, ये देखना होगा। दोनों देशों के बीच में रिश्ते कैसे प्रगाढ़ हों, क्योंकि अभी भी अगर रूस भारत का संयुक्त रूप में दूसरा नंबर पर है और भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड डील का 13वीं दौर की चर्चा अब इस महीने होने वाली है, तो देखना ही है कि फ्री ट्रेड डील को लेकर क्या कहा जाता है। ऋषि सुनक G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत पहुंच रहे हैं, तो वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात, FTA को अंतिम रूप देने की प्रेरणा मिलेगी और इसके लिए काफी लंबे समय से डेलीगेट्स के बीच में बातचीत भी चल रही थी। अब देखना यह है कि इस बातचीत में आखिर निकलकर सामने क्या आता है। आसान वीजा नियम, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर कैसे बात हो, क्योंकि दोनों देशों के बीच में अगर रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं तो वीजा के जो नियम है उनको आसान किया जा सकता है, और जब उनको आसान किया जाता है तो क्या सहूलियतें हम ब्रिटेन को देते हैं और क्या सहूलियतें ब्रिटेन भारत को देता है। वहीं दूसरी तरफ माइग्रेशन पॉलिसी क्या होती है, स्कॉच विस्की, ब्रिटिश कारें, फार्मास्यूटिकल्स, दोनों पक्षों के लिए बीच प्रमुख मुद्दों पर बायलेटरल टॉक, जो 15 बायलेटरल टॉक्स होनी है भारत मंडपम में, उनमें से एक बायलेटरल टॉक ये भी महत्वपूर्ण है कि इसमें आखिर हमें क्या क्या मिलता है। 2022 दिवाली की वो तस्वीर अब मेरे जहन में आ रही है जब ऋषि सुनक को कमान मिलती है और वो कैसे दिया ले जाते हैं और भारत की संस्कृति को दिखाते हुए वो दिया अपने घर के बाहर रखते हैं, अपनी पत्नी के साथ में दिवाली की पूजा करते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, हिंदुस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए वो अपनी परंपराओं से, ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब विमान का दरवाजा खोल दिया गया है और थोड़ी देर बाद आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की तस्वीर देखेंगे जो कि भारत से ही आते हैं। लेकिन दुनिया में जब हमने देखा कि ब्रिटेन जैसे देश में एक भारतीय मूल के व्यक्ति को ये जगह मिलती है, तो ये तस्वीर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ में भारत की सरजमी पर पहुंच चुके हैं और उनकी मुस्कान इस बात को बयां करती है कि आज जब वो भारत आ रहे हैं तो वो खुद भी कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज कि कैसे यूके में रहे, वहां पले बड़े, लेकिन संस्कृति अपनी नहीं भूले। अश्विनी चौबे देखिए उनका स्वागत करते हुए, और कहीं ना कहीं ये जरूर अश्विनी चौबे के मन में भी होगा या उन तमाम लोगों की जो आज अगवानी उनकी करने गए हैं कि ये बड़ा
गर्व करने वाला पल है कि आज हम विदेशी मेहमान का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन वो विदेशी मेहमान हमारे बहुत करीब है क्योंकि वो हम में से ही आता है। इसीलिए ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत आना और यहाँ पर आकर अपने आप को उसी भारतीय संस्कृति में पाना एक बहुत बड़ी बात है। 2022 में दिवाली की वो तस्वीर जब उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर जब शपथ लेने जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने दिया जलाया, दिवाली मनाई, क्योंकि कैसे ब्रिटेन, हम कहते हैं कि कभी होगा जब अंग्रेजों ने हम पर राज किया होगा, लेकिन आज हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि आप आइए भारत की संस्कृति को देखिए, समझिए और भारत की बढ़ती धाक को देखिए कि हम ब्रिटेन में भी राज कर रही है। दोनों झंडे जब जाते हुए साथ दिखाई देते हैं तो वाकई में जब मैं भी यहां से आपको बता रही हूं या जब आप इन तस्वीरों को देख रहे होंगे, आप भी गर्व महसूस कर रहे होंगे कि अब हम पर कोई हुकूमत नहीं कर सकता, हम आज वो भारत। के साथ में उनका ये स्वागत किया गया। अश्विनी चौबे कैबिनेट मंत्री आपको नजर आएंगे वो भी समझाते हुए, ऋषि सुनक भी, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज हम देख पा रहे हैं, जो उनकी मुस्कान चेहरे की हम देख पा रहे हैं, उससे समझ पा रहे हैं कि वो भी निश्चित तौर पर बेहद खुश होंगे कि भारत की सरजमी पर वो आए हैं, आज उस संस्कृति को वो देख पा रहे हैं। और जब भारत से उनका नाता है, भले ही वो विदेशी सरजमी पर पले बड़े हों, ये अब उनका जो काफिला है वो आगे बढ़ते हुए कल भारत मंडपम में आप बड़ी तस्वीर देखेंगे जब ऐसे बड़े बड़े नेता, ताकतवर मुल्कों के नेता एक साथ एक मंच पर आएंगे और भारत उनका जो ये ग्रैंड वेलकम कर रहा है, कई हमने नेताओं को सुना, कई विदेशी मेहमानों को सुना जो इसके मुरीद होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि ये वो भारत नहीं है जो वो अब तक इससे पहले कभी सुना करते थे या कभी उन्होंने तस्वीरों में देखा होगा। ये आधुनिक भारत है, ये अत्याधुनिक भारत है, ये आगे बढ़ने वाला भारत है और ये कैन डू वाला भारत है। जो प्रधानमंत्री ने हमें इंटरव्यू दिया moneycontrol.com पर, तो उसमें भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया कि आज जब दूसरे देश के नेता देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि कैन डू वाला भारत है, यानी कि ये कर सकता है, इसमें करने की क्षमता है। अब देखना यह है कि आज जब ये आए हैं ऋषि सुनक, तो वो अपने पिटारे से ब्रिटेन के लिहाज से, जब ब्रिटेन की हुकूमत उनके पास है, ब्रिटेन पर राज वो कर रहे हैं, तो वो ब्रिटेन के लिहाज से भारत को क्या देते हैं। और निश्चित तौर पर हम भी ये उम्मीद करेंगे कि जब वो भारत से कहीं ना कहीं नाता रखते हैं, उनके पूर्वज भारत से नाता रखते हैं, तो वो भारत के लिए कुछ चीज़ों को आसान करें। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा एक तो FTA का तो है ही, दूसरा वीज़ा का भी है कि वीज़ा जो है वो कितना आसान किया जाए। आप किसी भी देश में जाते हैं तो आपको वीज़ा लगाना होगा, वहाँ का वीज़ा आपको मिल पाता है नहीं मिल पाता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। अब ब्रिटेन के लिए वीज़ा कितना आसान हो पाएगा, क्योंकि कई सारे छात्र हैं, कई सारे बिजनेस पर्सन हैं जो वहाँ काम करते हैं या यहाँ से जाने के इच्छुक रहते हैं, तो ऐसे में वीज़ा देने की बात है, तो इस पर आखिर कैसे काम हुआ जा सकता है। देखना है कि UK का एजुकेशन सेक्टर और इसका शिक्षा मंत्रालय इंटरनेशनल फीस भरने वाले ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय छात्रों के आने की संभावना को लेकर उत्साहित दिखता है, लेकिन UK का गृह विभाग लगातार इस पर अलग रुख अपना रखता रहा है। लेकिन जब अब कमान ऋषि सुनक के पास है तो वो आखिर क्या फैसले लेते हैं, FTA को लेकर आखिर क्या फैसला होता है, इसी के साथ में इमिग्रेशन और वीज़ा को लेकर क्या फैसला होता है, तो तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी है। अभी भी विदेशी मेहमान पहुंचने शुरू हो चुके हैं और धीरे धीरे करके सभी विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं, जो बाइडेन भी शाम तक पहुंच जाएंगे और आज द्विपक्षीय बातचीत भी होनी है। तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं, शेख हसीना देखिए बांग्लादेश से पहुंची हैं, ऋषि सुनक देखिए पहुंचे हैं ब्रिटेन से, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जो हैं पहुंचे, इटली की राष्ट्रपति पहुंचे हैं, तो विदेशी मेहमानों का पहुंचना भारतीय सरजमी पर शुरू हो चुका है और जैसे ही वो भारत की जमीन पर अपना पांव रखते हैं तो भारत की संस्कृति को महसूस करते हैं, भारत
कहते हैं कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो यही कि हम अपने अतिथि का बड़े मन से स्वागत करते हैं। अतिथि देवो भवा, ये हमारे यहाँ की सबसे बड़ी बात है। और ऐसे में हम जब हमारे अतिथि आ रहे हैं तो पूरे रीति रिवाज के साथ उनका स्वागत भी कर रहे हैं, भारत की संस्कृति से उनको रूबरू भी करा रहे हैं।